आज रात के यह चाहते के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो रूही है वो रुद्राक्ष से पूछ रही होती है उस औरत के बारे में जो मदद मांग रही होती है। मीनवाइल अरमान और चाचा जी आकर के प्रशा को वॉशरूम से बचा करके ले जाते हैं इससे पहले कि रुद्राक्ष वहां पर प्रशा की मदद के लिए आ पाता। अरमान यहां पर प्रशा को वापस होटल ले जाता है और उसे बेड पर अच्छे से लेटा देता है और उसका ख्याल रखता है। जैसे ही प्रशा आँखें खोलती है अरमान उसे हक करता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना प्रशा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, आखिर तुम्हें हुआ क्या था। प्रशा गर्दन हिलाती है और कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। इतने में कंचन आती है और वो पानी का गिलास प्रशा के लिए लाती है और अपना कंसर्न प्रशा के लिए दिखाने लगती है। प्रशा दोनों को बताती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर कंचन पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या था, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत तो तभी होती है ना जब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम होती है या फिर तुम्हें कुछ अटैक आता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी बात हुई थी क्या। तभी प्रशा कहती है कि हाँ मुझे अचानक से खांसी आना शुरू हो गई थी, मेरा दम घुट रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी। अरमान कहता है कि क्यों, किसी ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं की। तभी प्रशा कहती है कि हाँ कोई इंसान आया तो था मदद करने के लिए और मैंने उसका नाम रुद्राक्ष सुना, जैसे ही वो मेरी मदद करने के लिए आया और मैं बेहोश हो गई। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहां पर पीहू का कॉलेज में पहला दिन होता है और तभी उसकी लड़ाई क्रिश के साथ हो जाती है। क्रिश रुद्राक्ष का नेफ्यू दिखाया गया है जिसकी रेपुटेशन कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रूड है। क्रिश यहाँ पर पीहू से टकरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसीलिए तुम्हें मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए और तुम्हें बिहेव भी प्रॉपरली करना पड़ेगा। लेकिन पीहू उसको सीरियसली नहीं लेती और उसको इतनी बुरी तरह से रिप्लाई करती है जितना रूड वो दे सकती है, जिसे सुनकर कि इन दोनों की लड़ाई और बढ़ जाती है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि इन दोनों की लड़ाई के बाद क्या होगा अपकमिंग एपिसोड में, क्योंकि एक प्रशा से जुड़ा है तो दूसरा रुद्राक्ष के साथ जुड़ा है। अब ऐसे में क्या रुद्राक्ष और प्रशा की मुलाकात इन दोनों की वजह से ही होगी, ये देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन फिलहाल ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।